था जिसको पढ़ के मेरे दिमाग में वो निकल नहीं रहा। वो कोट ऐसा था कि ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय। सर, अगर ये चीज़ एक्चुअली मतलब एक्चुअली अगर हम अडॉप्ट कर लें तो फिर आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकते हैं। देयर इज़ नो आधी के सारी प्रॉब्लम खत्म सारी एक्चुअली अगर ऐसा प्रैक्टिकली हो जाए तो। हाँ एग्जैक्टली exactly. कोई पर्सन है वो आकर के आपका अपमान कर रहा है मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर है, कोई आ करके उनके ऊपर हाथ उठा रहा है तो क्या करना है? आराम से बैठे रहना है? नहीं नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करना है वहां पे? लड़ना है या बैठ करके तमाशा देखना है? लड़ना है, या तो पुलिस को फोन करना है या उस बंदे के अगेंस्ट एक्शन लेना है अपने लेवल पे जो भी आप कर सकते हो। क्या ये ठीक है या नहीं है? कोई लड़का है आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, क्या वहां पर आराम से बैठे रहना है कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए? वो तो बोलते रहेंगे, जैसे कुछ गली के कुत्ते नहीं होते, वो भौंकते रहते हैं। हैं ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में? नहीं है। कि अगर उनको बढ़ावा दिया जाए या उनके अंदर किसी चीज़ का डर ना हो, उनको ये हो कि सामने से रेजिस्ट नहीं करेगी, तो वो तो कुछ भी बोलते रहेंगे। आज बोल रहे हैं कल कुछ करने लग जाएंगे। तो क्या उनको रोकना ज़रूरी है? नहीं है। या फिर हम कहें कि नहीं 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 जो है सब सही है, सब बढ़िया है, मेरी लाइफ बढ़िया चल रही है, ये मुझे बुरा क्यों लग रहा है, ऐसा होना चाहिए? नहीं। तो यू नीड टू फाइट। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि किस सिचुएशन में क्या करना है। हम ये नहीं कह सकते कि हर सिचुएशन में मुझे फर्क ही ना पड़े। फर्क नहीं पड़ेगा तो आप एक्शन कैसे लोगे? रिस्पेक्ट क्या होती है और रिस्पेक्ट कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है। एक रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट से ऊपर और कुछ भी नहीं है। प्यार मोहब्बत की सिर्फ बातें होती जो कुछ टाइम तक बड़ी अच्छी लगती, कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक। बट अगर रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना है दोनों तरफ से, सिर्फ ऑन पेपर नहीं, ऑन पेपर तो आप हस्बैंड वाइफ जिंदगी भर के लिए भी रह सकते। पति है वो मार पीट रहा है अपनी बीवी को लेकिन साथ में रहे चले जा रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं है तो अंदर प्यार कहां है? समझे? डर है कि अगर उसने मुझे छोड़ दिया, मैंने उसको छोड़ दिया, तो पता नहीं क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा। तो डर में साथ में रह रहे, प्यार मोहब्बत थोड़ी है। तो जहां रिस्पेक्ट नहीं होगी वहां प्यार कैसे होगा? सोचो अगर मैं अभी आपकी रिस्पेक्ट ना करूं, यहां पर आपसे बदतमीजी से बात करूं, आपको अच्छे से ट्रीट ना करूं, तो क्या आप मेरी रिस्पेक्ट कर पाओगे? ये मान अपमान एक्चुअल में क्या है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर ये सारी बातें हम डीपली समझ जाएं इस टाइम पे, इस एज ग्रुप में, तो लाइफ बड़ी सिंपल हो जाएगी हमारी। तब हमें पता होगा किस सिचुएशन में क्या एक्शन लेना चाहिए विदाउट एनी डाउट। जब डाउट होता है तभी प्रॉब्लम नहीं होती हमारी लाइफ में, समझ रहे हो? कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि एक बिल्ली चूहे को खा रही है, ये कॉन्फ्लिक्ट है? ये खाएगी नहीं तो जिंदा कैसे रहेगी? या कॉन्फ्लिक्ट ये है कि बिल्ली बैठ करके सोच रही है मैं चूहे को खाऊं या ना खाऊं? चूहे को खाना कहीं गलत तो नहीं है ना? कहीं पाप तो नहीं है ना? कहीं मुझे नरक में तो नहीं जाना पड़ेगा ना? गरम तेल में तो नहीं तली जाऊंगी ना? ये है ना कॉन्फ्लिक्ट? ऐसे चूहे के माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। बिल्ली आ रही है अटैक करने के लिए, भागो, उसको भागना है। एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोग से, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं सेशन को। अगर हर प्रॉब्लम की जड़ देखी जाए तो कहां से शुरू होती है आपकी लाइफ की? जितनी भी प्रॉब्लम शुरू होती है वो कहां से होती है? खुद से होती है, आपसे ही होती है या कहीं और से होती है? अगर सोचो सब कुछ हो लेकिन आप ही ना हो तो कोई प्रॉब्लम है? है ना, समझ आ रहा है ना? तो प्रॉब्लम की जड़ कौन है? आप ही हो। अब सवाल उठता है आप हो कौन? एक मिनट, आराम से। सोल तो एक कॉन्सेप्ट है, सोल, बट Who we actually are, day to day life में हम actual में क्या है? एक मिनट सुनना, अब मैं कुछ बोलूंगा, इसको ध्यान से सुनना और मेरे साथ साथ चलने की कोशिश करना, बड़ा मजा आएगा। आप कौन हो? जो आपके पेरेंट्स आपके बारे में सोचते हैं वो आप हो, या जो आप खुद के बारे में सोचते हो वो आप? जो आप खुद के बारे में सोचते हो वो आप हो, लेकिन आपकी सोच तो बदलती रहती है। जो एक मिनट, अब देखना, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, बड़ा मजा आता है इस इंक्वायरी में। अगर अभी ये इंक्वायरी करोगे तो लाइफ बड़ी कमाल की हो सकती है। अगर एक बार ये फंडे क्लियर हो जाए ना, जितना भी स्ट्रेस है ना लाइफ में वो सब गायब हो जाता है। मान अपमान एक कैसे होता है, किस लेवल पे होता है, उसमें हम अभी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको अपने आप ही जवाब मिल जाएगा। तो आपने कहा कि वो जो हमारे बारे में सोच रहे हैं वो हम नहीं है, जो हम खुद के बारे में सोच रहे हैं वो हम हैं। अभी तक यहां तक हम पहुंचे हैं। जो आप खुद के बारे में सोच रहे हो वो आप हो, या जो आप एक्चुअल में कर रहे हो वो आप हो?
सोचते बहुत हो कि मुझे ये नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, और वो सारे उल्टे सीधे काम आप करते हो सुबह से रात तक। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? दोनों में गैप नजर आ रहा है? कितना बड़ा गैप है। सोचते हो कि मेरे को अब इस बंदे से दोबारा बात नहीं करनी है, लेकिन करते हो। सोचते हो कि मैं दोबारा कभी गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन करते हो। सोचते हो कि दिन में 8 घंटे पढ़ना है, क्या एक्चुअल में पढ़ते हो? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जो सोचते हो और जो करते हो उसमें बहुत बड़ा गैप है, जमीन आसमान का फर्क है। क्या ये करना सेम रहता है या बदलता रहता है? तो ये सब जो बदल रहा है, यानी जो भी आपके एक्शंस हैं, जो भी आप कर रहे हो सुबह से रात तक, ये जो बदल रहा है वो आप हो या जो नहीं बदल रहा है वो आप? ध्यान से समझना, अब अगर थोड़ा सा अटेंशन को बढ़ाओगे तो समझ पाओगे। आप किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, वहां पे एक ट्रेन आई और निकल गई, दूसरी ट्रेन आई और निकल गई, तो क्या आप वो ट्रेन हो जो आई और निकल गई, या वहां पर खड़े होकर के उसको ऑब्जर्व करने वाले? बहुत सारी ट्रेन आई और निकल गई। अगर आप भी निकल गए होते तो उन ट्रेन्स को निकलते हुए कौन देखता? तो चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए किसी ऐसे का होना जरूरी है जो खुद चेंज ना हो, जो कांस्टेंट हो। एक स्क्रीन है, आप मूवी देखते हो या टेलीविजन पे, अब ये टीवी है, इस टीवी के ऊपर बहुत कुछ आ रहा है और जा रहा है, पता नहीं कितने पिक्सल्स, कितने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पिक्सल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, बट क्या स्क्रीन आ रही है और जा रही है? स्क्रीन वही की वही है ना। अगर स्क्रीन ना हो तो वो सब कहां है? चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए, लाइफ में आपके जो चेंजेस हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए किसी ऐसे का होना जरूरी है जो खुद ना बदल रहा हो। एट द लेवल ऑफ योर बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, योर एक्शंस, योर रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग इन योर लाइफ पुट टुगेदर, ये सब जो बदल रहा था, बदल रहा है और बदलता ही रहेगा, ये बदलाव आप हो, ये सबको जानने वाले आप। अगर एक्चुअल में ये बात आपको गहराई से समझ आ जाए और आप ऐसे जियो तो क्या दिक्कत है? चाहे मान है चाहे अपमान है, दो ट्रेन्स के जैसे है, एक ट्रेन आ गई उसमें मान लिखा हुआ है, दूसरी ट्रेन आ गई उसमें अपमान लिखा हुआ है। तो अगर आप कहते हो मैं ये हूं, यानी कि ये बॉडी हूं, मैं मेरे थॉट्स हूं, मैं मेरी फीलिंग्स हूं, मैं जो सुबह से रात तक करता हूं करती हूं वो मैं हूं, तो आपका मैं गलत जगह पर है। बट इफ यू सी इट एज अ फैक्ट, एज अ रियलिटी, कि सबको जानने वाला मैं हूं, और जानने वाले में ना जानने वाला है ना वाली है, जो जाना जा रहा है, कॉन्शियसनेस है, वो मैं हूं, तो इस कॉन्शियसनेस में कुछ भी आता रहे कुछ भी जाता रहे वो बिल्कुल एक खेल के जैसा है। दुनिया का बड़ा सिंपल सा काम है, एक मिनट में आपको ऊपर उठा देती है, एक मिनट में नीचे गिरा देती है। तो अब इस कांस्टेंट में चाहे आप ऊपर हो चाहे नीचे हो, क्या फर्क पड़ता है? आई एम द कांस्टेंट, सब ऊपर से जा रहा है। आ रहा है किसी को? सच में समझ आ रहा है? हाथ ऊपर करो सच बोलना। अरे वाह जी वाह, कमाल हो गया ये तो। सो लाइक यू सेड दैट वो बदलाव हम हैं या वो जानने वाले हम हैं, सो जो चेंज, जो भी बदलाव हो रहा है, बीट ऑन इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल, थॉट लेवल, किसी भी लेवल पर है, वो जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो हो भी तो हमारी वजह से ही रहे हैं, नोइंगली और अननोइंगली कर भी तो हम ही रहे हैं। लाइक हमें कोई भी थॉट आता है, अगर वो थॉट नेगेटिव होता है वी ट्राई टू अवॉइड इट, लेकिन अगर वो थॉट पॉजिटिव होता है तो वी ट्राई टू एक्सेप्ट इट एंड लाइक उस पर वर्क करने की कोशिश करते हैं। सो वो जो चेंज हो रहा है वो भी तो हम ही कर रहे हैं ना। सो एक्सीलेंट पॉइंट। अब देखना, अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इस पॉइंट को। आप करते हो या थॉट करता है? देखो, आपकी बॉडी के लेवल पे दो तरह की चीजें होती हैं सुबह से रात तक। 99.999999% जो प्रोसेसेस हैं वो क्या आपके थॉट की वजह से होती है या अपने आप होती है? जैसे आपकी ब्रेथ चल रही है, क्या आप सोच करके अपनी ब्रेथ को चला रहे हो? अगर ये डिपार्टमेंट आपको दे दिया तो क्या होगा? कितनी देर तक रह पाओगे जी? कुछ देर बाद भूल गए। भूले तो गए, लाश को ठिकाने लगाओ। ब्रेथ अपने आप चल रही है, थॉट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है वहां पे। हम चाहे तो थॉट को बीच में ला सकते हैं, पर थॉट को ना लाएं तो ज्यादा बेटर है। उल्टा सीधा सोचने की वजह से ब्रेथ में चेंजेस आते हैं, तो अगर थॉट बीच में इंटरफेयर ना करे तो बेटर है।
एक्साइटेड हो गए तो ब्रेथ तेज चलने लग जाएगी, जैसे कुत्तों की चलती है, है कि नहीं? कभी नोट किया है इन सब चीजों को? बहुत ज्यादा बिल्कुल ही डिप्रेस हो जाओगे तो बिल्कुल ही शैलो हो जाएगी ब्रीथिंग। सो थॉट अगर इंटरफेयर ना करे हमारी जो इनर इंटेलिजेंस है, जिस तरह से बॉडी काम कर रही है, तो बेटर है या बेटर नहीं है? समझ पा रहे हो? जानवरों के अंदर उनकी जो बेसिक जो नेचर की इंटेलिजेंस है वो काम करती है, तो उनको पता है कि कब कितना खाना है, कब कितना नहीं खाना है, कब कितना पीना है, कब कितना नहीं पीना है, क्या करना है, क्या उनके सारे फंडे क्लियर है। हमारे सारे फंडे हिले हुए हैं। जब जो नहीं करते हैं वो कर रहे होते हैं, जब जो करना होता है वो नहीं कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि थॉट बीच में इंटरफेयर कर रहा है। तो पहले तो थॉट में और इंटेलिजेंस में फर्क को समझो। ये फर्क देख पा रहे हो? एक है इस नेचर की इंटेलिजेंस, जहां पे कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं है, सब परफेक्ट है। एक सांप भी परफेक्ट है, एक बिच्छू भी परफेक्ट है, एक मछली भी परफेक्ट है, चींटी भी परफेक्ट है, आप भी परफेक्ट हो, मैं भी परफेक्ट हूं, सब परफेक्ट है। तो हमारी लाइफ की शुरुआत कहां से होती है? परफेक्शन से। एक जो बच्चा भी, न्यूबॉर्न बेबी है, वो परफेक्ट है। उसको पता है कि भूख लगी तो रोना है, रोने से काम हो जाएगा। ये सारी इंटेलिजेंस उसके अंदर फीडेड है और ये परफेक्ट है। तो इस परफेक्शन को हम खराब कैसे करते हैं? कौन खराब करता है इस परफेक्शन को? थॉट। व्हाट इज थॉट? ये थॉट कैसे पैदा होता है? क्या थॉट आप हो? थॉट कैसे आता है? क्या एक बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, वो आपको देख करके आपको लगता है कि वो कुछ सोच रहा होता है? है कितना सुंदर है, कितना बदसूरत है, ऐसे कर रहा होता है बच्चा? क्या वो पार्शियलिटी करता है ना? क्या वो डिस्क्रिमिनेट करता है? क्या वो आपको खुद से अलग करता है? ये बात समझ आई? वो देख तो रहा है लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ है। वो बच्चा देख रहा है लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं देख रहा हूं। वो अपने आप को ये नहीं बोलता मैं देख रहा हूं। देख रहा है, सुन रहा है लेकिन सुनने वाला पैदा नहीं। फिर क्या होता है? धीरे धीरे जैसे जैसे वो बच्चा थोड़ा सा बोलने लग जाता है, लैंग्वेज से सारा गेम शुरू होता है। लैंग्वेज को और थॉट को आप अलग नहीं कर सकते। उसके माइंड में इस चीज को फीड किया जाता है, उस छोटे से बच्चे के माइंड में जो परफेक्ट है, इस इम्परफेक्शन को उसके अंदर फीड किया जाता है कि तू ये है। बेटे क्या नाम है तेरा? पिंकी। मतलब ये कैसा नाम है? क्या लोग सोच सोच के नाम रख देते हैं अपने बच्चे। अब जो पिंकी है उसे पूछेंगे तेरा फेवरेट कलर क्या है, क्या कहेगी? रेड, ब्लैक? ना जी, पिंक है। इस झूठ को आपके अंदर प्लांट कर दिया गया है। जो भी आपका नाम है वो आप लगा लो, सोनू, मोनू, टोनू, पोनू, जो भी। आप कहते हो मेरे से गलती हो गई, मैंने सही किया, मैंने गलत किया। यही तो आपकी लाइफ की सारी सारी प्रॉब्लम की जड़ है ना। तूने सही किया, तूने गलत किया, तूने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? तू मतलब क्या और मैं मतलब क्या? इसको समझो। अगर आपका मैं है नेचर की इंटेलिजेंस के साथ में, तो वो कभी गलत करती ही नहीं। अगर आपका पेट खराब होता है तो ज्यादातर घरवाले क्या करते हैं, वो आपको खिलाने की कोशिश करते हैं। बेटे कुछ नहीं खाया दोपहर से, खा ले, ऐसे में खाना चाहिए, अच्छा होता है। ये क्या है? ये थॉट है। नेचर की इंटेलिजेंस क्या करती है? जब भी हमारी तबीयत खराब होती है, पेट खराब होता है, जानवरों को ऑब्जर्व कर लेना, वो खाना पीना छोड़ देते हैं, ठीक हो जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? और ठूस रहे हैं। तो बॉडी की एनर्जी जो चाहिए थी उस बीमारी से लड़ने के लिए, वो एनर्जी कहां चली गई? खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। इस तरह से थॉट इंटरफेयर करता है नेचर की इंटेलिजेंस के साथ। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। थॉट जितना कम इंटरफेयर करे आपकी लाइफ में, उतनी लाइफ बढ़िया रहेगी या बेकार हो जाएगी? यानी आप तो थॉट को यूज कर पाओ लेकिन थॉट आपके ऊपर हावी ना हो। वो तभी हो सकता है व्हेन यू आर नॉट अ थॉट। अभी प्रॉब्लम क्या है? आप ही थॉट। यू आर आइडेंटिफाइड विद योर थॉट्स। आप कहते हो मैंने गलत किया, आपने कहा किया, थॉट ने किया। अभी थॉट कैसे पैदा होता है इसको देख पाओगे? देखना चाहते हो? एक बच्चे के अंदर कोई थॉट नहीं है, जानवरों के अंदर थॉट नहीं है, है भी तो बहुत ही रूडिमेंटरी लेवल पे है। जैसे जंगल में शेर आता है तो जानवरों की अपनी आवाज होती है, बस थोड़ा सा वो किया और उनको पता लग गया। लेकिन ये नहीं है वो बंदर बैठ करके सोच रहा है कि हाँ उस बंदरिया ने मुझे छोड़ दिया, मुझे धोखा दे दिया उस बंदर के लिए, वो बंदर जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, सब कहानियां बंदरों के अंदर नहीं है, सारी कहानियां है नहीं। तो अब इसका ये भी सोल्यूशन नहीं है कि आप वापस से बंदर बन जाओ। लोगों की ये भी प्रॉब्लम है, एकदम से जंप करते हैं मेरी इन बातों को सुन करके। क्या बोलेंगे? तो क्या करें, सोचना ही बंद करते हैं, बंदर बन जाए वापस से? अरे नहीं मेरे प्यारे खचरों, ऐसा नहीं है।
आप पीछे नहीं जा सकते, आगे जा सकते, तुम नेक्स्ट लेवल पे जाने की बात कर रहे हैं। बंदर बैठ करके ये नहीं समझ सकता थॉट क्या है, इंसान समझ सकता है, वो हम कोशिश कर रहे हैं। तो थॉट कैसे पैदा होता है? जो भी इंफॉर्मेशन आपके अंदर फीड कर दी गई है, दैट इज द ग्राउंड ऑफ थॉट, दैट इज द रॉ मटेरियल ऑफ थॉट, दैट इज थॉट। माइनस इंफॉर्मेशन, वेयर इज थॉट? आपके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन फीडेड है उसको मैं निकाल दूं, थॉट कहां है? एप्पल, अच्छा लाल रंग का होता है, ऐसा दिखता है, ये उसकी फॉर्म है, ऐसी उसकी स्मेल है, ऐसा उसका टेस्ट है, ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये रेड एप्पल है, ये ग्रीन एप्पल है, अगर ये इंफॉर्मेशन को निकाल दो, एप्पल का थॉट कहां है? एप्पल को देख रहे होगे, कोई थॉट आएगा? देखना है, देखना बंद नहीं हुआ है। एक कुत्ते को भी एप्पल दिखाओगे तो एप्पल को तो देख रहा है ना वो, आप भी देख रहे हो, देखने में कोई फर्क नहीं है, बट उसके लिए एप्पल का मतलब कुछ और। कभी इस चीज को ना आराम से बैठ के, आपके किसी के घर में पेट है, कभी एक चीज नोट करिए, वो बैठ करके स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, वो क्या सोच रहे हैं? लोग देख तो रहे हैं बट दे डोंट नो आवर लैंग्वेज। बिल्कुल ऐसा है जैसे आप बैठ करके जापानीज मूवी देखते रहो। और ये जो रिलेशनशिप की हमारी कॉम्प्लिकेशंस है, आपको फिर भी जापानीज मूवी समझ आ जाएगी, उस कुत्ते को क्या समझ आएगा? क्या ये इंफॉर्मेशन जो भी आपके अंदर फीडेड है, वो आपने खुद फीड करी है या किसी और ने फीड करी है या फीड हो गई है? लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दो तरह की इंफॉर्मेशन है, अब इसको भी देखो, मतलब डू यू वांट टू गो सी द लेयर्स? एक इंफॉर्मेशन है जो आपके अंदर फीड कर दी गई, स्कूल में गए चॉइसलेसली फीड हो गई, कुछ किया नहीं उसके लिए, आपका नाम आपके अंदर फीड कर दिया, आपसे पूछा नहीं गया पैदा होते बेटे क्या नाम रखना है तुम्हारा, ऐसा नहीं हुआ आपके साथ, है ना, आपको बता दिया गया, वो इंफॉर्मेशन आपके अंदर फीड हो गई, सुबह से रात तक एक घर में जिस माहौल में रहे हो वो इंफॉर्मेशन फीड हो जाती है, क्योंकि वैसी बातें होंगी ना, जैसा फ्रेंड सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल भी बहुत बार हम बनाते नहीं है, बन जाता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन फीड हो जाती है, मोर देन 90% ऑफ इंफॉर्मेशन, 10% है जो आप जानबूझ करके फीड करते हो, गूगल पे जाके सर्च करते हो, ढूंढते हो, फिर फीड करते हो, बट इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन जी, विदाउट इंफॉर्मेशन देर इज नो थॉट, विदाउट थॉट देर इज नो एक्शन बेस्ड अपॉन थॉट। आप कहते हो मैंने किया, किसने किया, क्या आप एक्चुअल में कुछ करते हो? मैंने सोचा, क्या सोचा आपने, क्या सोचते हो आप? जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसी के बेस पे तो सोचते हो, क्या उससे बाहर कुछ सोच सकते हो? तो इंफॉर्मेशन एक्ट्स अपॉन इंफॉर्मेशन, यू डोंट एक्ट। क्या देखने वाला एक्ट करता है? आप मुझे देख रहे हो, ये देखने के लिए बड़ा एक अंदर साइलेंस चाहिए, स्टिलनेस चाहिए, तब इन सारी बातों को आप एक्चुअल में देख सकते हो जो बातें मैं कर रहा हूं, नहीं तो सब थ्योरी है। थ्योरी क्या मतलब? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पहले ही कम भरी हुई है क्या आपके माइंड में? इंफॉर्मेशन ही तो प्रॉब्लम है। मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर समझ पा रहे हो मैं कहां जा रहा हूं, हाउ टू लिव अ लाइफ फ्री फ्रॉम इंफॉर्मेशन। यू कैन यूज इंफॉर्मेशन बट दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट यूज यू। अभी योर लाइफ इज ड्रिवन बाय इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कहो, माइंड कहो, थॉट कहो, सब एक ही मतलब, मेमोरी कहो, इमेजिनेशन कहो। तो आपको क्या गलतफहमी हो रही है? मैं ऐसा सोच रहा हूं। आप नहीं सोच रहे हो, वो थॉट अपने आप आ रहे हैं बेस्ड अपॉन अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है उसके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की वजह से। तो आप क्या कर सकते हो अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है? तो डंकी इंफॉर्मेशन अंदर फीड करो। क्या उससे आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? इस सच को देख पा रहे हो? बिकॉज इंफॉर्मेशन इज द प्रॉब्लम, नेचर्स इंटेलिजेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं आई बात समझ में? क्या इंफॉर्मेशन अंदर फीड करोगे कि ये खाना अच्छा है, ये खाना बुरा है? क्या एक्चुअल में आपको पता है कि आपकी बॉडी के लिए क्या खाना अच्छा है, क्या खाना बुरा है? यू डोंट नो दैट। समझ गए? हाँ, बॉडी का रिएक्शन, आप कह रहे हो कि बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, उसको समझने के लिए फर्स्ट वी नीड टू बी फ्री फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, फ्री फ्रॉम आर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तभी तो हम बैठ करके ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसको खाने के टाइम पे, और जब हम खा रहे हैं उस टाइम पे साथ में मोबाइल पे लगे हुए हैं, टीवी पे लगे हुए हैं, उसका टट्टू पता है हमको कि हमारे अंदर क्या हो रहा है।
अब आप बैठ करके सोच सकते हो पूरी जिंदगी के लिए कि मेरे लिए ये खाना सही है, ये खाना गलत है। बट डू यू नो इट फॉर श्योर? तो आप कुछ भी सोच के कुछ भी कर लो, इट्स नॉट गोइंग टू बी एक्यूरेट एज फार एज द सब्जेक्टिव वर्ल्ड इज कंसर्न। यस, इन द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड इट इज पॉसिबल। कोई प्रोडक्ट बनाना है, आप बना सकते हो कुछ प्रोडक्ट्स को मिला करके, तो वहां पे इंफॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट। इंफॉर्मेशन को आप यूज कर सकते हो बाहर की दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए। क्या इस इंफॉर्मेशन को आप यूज कर सकते हो अंदर की दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए? आपने बोल तो दिया है नो, बट इसकी डेप्थ देख पा रहे हो? अगर आपने नो बोला है और एक्चुअल में देख लिया है, तो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी ये स्ट्रगल खत्म हो जाएगी अभी की अभी। यानी इंफॉर्मेशन को यूज करके आप बाहर तो सक्सेसफुल हो सकते हो। बाहर बैठे रहने से काम नहीं होगा कि मैं बहुत खुश हूं तो मेरे पास पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बाहर एक्शन लेना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। अंदर आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए लाइफ से, चाहिए नहीं चाहिए? ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बाहर सक्सेस या अंदर सेटिस्फैक्शन? बाहर सक्सेस तो मिल जाए, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर डिप्रेशन की गोलियां खाते रहो, क्या करोगे ऐसी सक्सेस का? इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है सेटिस्फैक्शन? ऐसी किस इंफॉर्मेशन को यूज करोगे कि आपको लाइफ से सेटिस्फैक्शन मिल जाए या खुशी मिल जाए? यानी आप क्या सोच करके सेटिस्फाइड हो सकते हो लाइफ से? कैन यू बी सेटिस्फाइड बाई थिंकिंग बेस्ड अपॉन इन्फॉर्मेशन, नो मैटर वो इन्फॉर्मेशन कहां से आ रही है, कैसे आ रही है? इसको दूसरे तरीके से देखो, एग्जाम्पल देता हूं, शायद आप समझ पाओगे। सोना है गहरी नींद, चैन से सोना है, कौन सी इंफॉर्मेशन काम आएगी? क्या सोचोगे जिससे कि नींद आ जाए? सोचो। जब सोचना छूट जाएगा तो नींद आ जाएगी। इसको हैप्पीनेस बोलते हैं, इसको सेटिस्फैक्शन बोलते हैं, इसको प्यार बोलते हैं। योर थॉट इज यूजलेस एज फार एज हैप्पीनेस इज कंसर्न, एज फार एज लव इज कंसर्न, एज फार एज सेटिस्फैक्शन इज कंसर्न, एज फार एज पीस ऑफ माइंड इज कंसर्न। व्हेन माइंड सीज इट्स ओन लिमिटेशन, माइंड बिकम्स पीसफुल। देयर इज नो अदर वे टू मेक योर माइंड पीसफुल। माइंड को फोर्सफुली आप पीसफुल नहीं कर सकते। माइंड को जितना पीसफुल करने की कोशिश करोगे उतना ही फड़फड़ाएगा माइंड। इसको और अगर सिंपल वे में बोलूं तो बाहर थॉट यूजफुल है, बाहर की दुनिया में बहुत यूजफुल है, बट अंदर की दुनिया में थॉट इज यूजलेस। थॉट कोई काम नहीं आने वाला है। अपने एक्सपीरियंस के बेस पे देख लो, इतना सोचा उससे कुछ हुआ क्या? दुनिया इतना सोचती है उससे कुछ होता है क्या? सोचने से नींद आती है क्या? जब सोचना बंद हो जाता है तो नींद आ जाती है। अब सोचना बंद कैसे होता है? हम गलती क्या करते हैं, मुझे नींद आ जाए, मुझे नींद आ जाए, मुझे ऐसी गलती करी होगी आपने भी लाइफ में कभी ना कभी, तब बिल्कुल नहीं आती है, तब गुस्सा आता है, ऐसे ही होता है ना। नींद कब आती है? आनी आ जाए, नहीं आनी ना आए। तो बात समझ आई? तो पीसफुल होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए ये इंफॉर्मेशन यूजलेस है, थॉट यूजलेस है। ये भी एक थॉट ही है अगर आप देख पा रहे हो तो, ये भी तो एक थॉट ही है। थॉट से हमने क्या देख लिया? थॉट यूज। दिस इज रेजोल्यूशन ऑफ थॉट परमानेंटली। उसके बाद ये थॉट भी नहीं रहता। जब ये देख लिया कि थॉट यूजलेस है, तो क्या इस थॉट की जरूरत है कि थॉट यूजलेस है? बहुत डीप हो जाएगा यार। आपके अंदर एक थॉट था कि मुझे यहां पर आना है, तो जब तक नहीं आए थे तब तक इस थॉट को पकड़ा हुआ था ना, गूगल मैप पे देख रहे थे कैसे जाना है, क्या करना है। अब आप यहां आ गए, अब क्या इस थॉट की जरूरत है कि यहां पे आना है? अबे आ तो गए घुचू, और कितना आओगे? समझ गए? तो इफ यू सी द लिमिटेशन ऑफ थॉट एज फार एज द इंटरनल वर्ल्ड इज कंसर्न्ड, इफ यू सी इट एब्सोल्यूटली क्लियरली, दिस इज रेजोल्यूशन ऑफ थॉट। थॉट गया, थॉट के लिए कोई जगह ही नहीं। अब बिना बोले देख पाओगे, बिना बोले, बाहर से नहीं अंदर से, कुछ नहीं बोल रहे, देख रहे, सुन रहे हो, समझ रहे हो। तो आपको ऐसा ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा, बाकी सब दुनिया की समझ से परे है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।